Welcome back guys, you know why I'm here. I'm here with a new recipe और आज बनाएंगे चाय। चाय बनाने में क्या बड़ी बात है? Well, चाय जो है ना बहुत सारे different versions में बनती है इंडिया में। So I've picked like 3 versions of tea which I feel like you guys can try at home. बहुत simple recipes है, nothing too complicated. So the 3 teas that we're going to be making is a tandoori chai, शाही मसाला चाय, and we're also going to be making an ईरानी चाय. बहुत simple processes है, anyone can make this. What made this recipe possible is that beautiful blend of tea that we have received from Samara Chai. A big shout out to Samara Tea for giving us all that lovely chai to make all these different types of chai. They make some of the most premium quality tea and they distribute it all over the world. So do check them out if you intend to buy some tea. Ek cheez bolunga, I have not added any sugar to any of the teas because मेरे घर पे शक्कर बंद हो चुका है। We have gone into no sugar mode. So sugar आपके हिसाब से डाल दीजिए। I would recommend कि ईरानी चाय में use some condensed milk, बाकी में regular sugar चल जाएगा। तो बहुत हो गए बकवास, चलिए बनाते हैं चाय। So let's start first with the tandoori chai. उसके लिए दूध ले लीजिए आपके पॉट के अंदर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची, and then I'm gonna add a few tablespoons of the Samara black tea. दूध को अच्छे से गर्म होने दीजिए, थोड़ा सा रिड्यूस भी होने दीजिए, लेट इट बिकम नाइस एंड थिक एंड लिटिल क्रीमी। इसे अब स्ट्रेन करेंगे इनटू अ रेगुलर कप। नाउ तंदूर के लिए गर्म करते हैं एक कुल्लड़, बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, इसे अच्छे से गर्म कर दीजिए एंड इसके अंदर पोर कर दीजिए द चाय दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। अब एक प्लेट या कुछ रख दीजिए इसके नीचे, नहीं तो ये जो वॉल्केनो है ना ये सारा टेबल आपका मैला कर देगा। सो रिमेम्बर दैट, एंड दैट इज हाउ यू मेक एन ईजी घर पे तंदूरी चाय। कुल्लड़ थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे सर्व कीजिए प्लीज। नाउ मूविंग ऑन टू आ ईरानी चाय। ईरानी चाय के लिए पानी गर्म कर दीजिए थोड़ा सा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा क्रश जिंजर, एंड देन आई एम गोना ऐड दिस मारा ब्लैक टी अगेन। लेट कम टू अ नाइस बॉयल एंड इसे थोड़ा सा दम देना है, तो आटा जो है ना ये आपके पॉट के अराउंड डाल दीजिए और इसे ढक दीजिए ढक्कन के साथ। अब और 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से रिड्यूस होने दीजिए। नाउ व्हाइल दैट्स हैपनिंग लेट्स बॉयल द मिल्क एंड कीप इट, रिड्यूस इट अ लिटिल बिट, लेट इट बिकम अ लिटिल थिक एंड क्रीमी, एंड अब करते हैं असेंबली। तो ढक्कन जो है ना उसे खोल देंगे एंड देन ही हैव दिस नाइस फ्लेवरफुल टी इनसाइड। इसे स्ट्रेन कर दीजिए एंड पोर इट इनटू अ ग्लास, ऐड दैट मिल्क दैट वी हैड बॉइल्ड एंड केप्ट, एंड दैट इज इट। दैट इज द रेसिपी फॉर एन इजी ईरानी चाय। इसे खारी टोस्ट के साथ आप सर्व कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी विच इज अ शाही मसाला चाय। इसके लिए भी दूध गर्म करेंगे एंड जस्ट ब्रिंग इट टू अ बॉयल, अगेन रिड्यूस इट अ लिटिल बिट। While it reduces, let's make this simple masala. तो ले लीजिए एक पीस स्टार एनिस का, we're gonna add some green cardamom, थोड़े से इलायची, इलायची के बाद एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा and some black peppercorns, a very small pinch of saffron, इसे पीस दीजिए and that is your masala. So सारी चीजें तैयार हो गई, अब डालते हैं इसमें the Samara masala black, just add 2 spoons of that and then add the masala that we prepared. थोड़ा सा जिंजर डाल दीजिए, bring this to a boil again and इसे भी strain करके आप serve कर सकते हैं एकदम गर्मा गर्म। Finish it off with some chopped pistachios, थोड़ा सा केसर, that is it. That is the recipe for the Shahi Masala Chai. So there you go guys, that was the recipe for the 3 different Indian teas. I hope you guys enjoyed and happy drinking guys. So there you go guys, that was the recipe. जैसे कि मैंने कहा था, चाय is very important to life. And if you love chai, follow these recipes, you won't be disappointed. If you make this recipe, don't forget to tag us, tag me, tag Samara Chai. Take a lot of pictures and do let me know what you think about the recipes and nothing else guys. कहीं भी देख रहे हो, don't forget to like, share, follow and subscribe. Show me that love and support and I'll see you guys tomorrow with another recipe. Till then, bye-bye.